और छत्तीसगढ़ के बालोदबाजार जिले से है जहां सिमगा ब्लॉक के ग्राम केस्त में स्थापित होने वाले स्टील एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड संयंत्र के लिए ग्राम नेवता में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जनसुनवाई का आयोजन किया गया। वहीं यहां स्थापित होने वाले इस संयंत्र का केस्ता गांव के ग्रामीण सरपंच पंचों ने उद्योग लगाने का पूर्णतः समर्थन किया है। इसके साथ ही ग्रामीणों का कहना है कि उद्योग लगने से उन्हें रोजगार मिलेगा और गांव का संपूर्ण विकास भी होगा। वहीं आसपास के ग्रामीण और आए हुए क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों द्वारा विरोध किया गया। इस जनसुनवाई में केस्ता नेवदा हथबंध रिंगनी कामता और आसपास के क्षेत्रों के जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए। वहीं केसदा के ग्रामीणों ने कहा कि ग्राम केसदा का मामला है, ऐसे में बाहरी व्यक्तियों को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। हल्के फुल्के विरोध के साथ अधिकारियों सहित अपर कलेक्टर राजेंद्र गुप्ता ने जनसुनवाई शांतिपूर्वक समाप्ति की घोषणा की। जनसुनवाई बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, विरोध नहीं, विचार व्यक्त कर रहे थे। अपने अपने लोगों ने विचार रखा। ग्रामीणों को आपने देखा कि ग्रामीणों ने पूरा समर्थन किया है और जिन लोगों ने भी अपने विरोध में विचार व्यक्त किए वो यहाँ के लोकल लोग नहीं थे, तो जो आसपास के सराउंडिंग के जो ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि हैं, चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं और यहाँ के जो ग्रामीण हैं उनका फुल सपोर्ट है। जो बाहरी लोगों ने कुछ विचार व्यक्त किया उनको हमने रिकॉर्ड में ले लिया। विधायक जो है वो भी बीजेपी के हैं, माननीय श्री रतन शर्मा जी, और वो भी मोदी जी के रीति नीति से ही चल रहे हैं, भाजपा की नीति से चल रहे हैं, जिसके कारण हमारी जो आम जनता है बेरोजगारी से जूझ रही है। और ये बहुत अच्छा सुअवसर है हमारे स्थानीय लोगों के लिए कि अगर फैक्ट्री खुलती है तो यहाँ पर जो बेरोजगारी की समस्या है पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगी।